हलचल न्यूज। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभी अभी निधन हो गया है। उनके देहांत की खबर उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। श्री मुखर्जी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। कुछ दिनों से वह कोमा में भी थे। इलाज के दौरान वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। 84 वर्ष के प्रणब मुखर्जी लगातार 10 अगस्त से डॉक्टर की निगरानी में थे। उनके कुछ दिन पहले ही ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। उनकी मौत की खबर आते ही पूरा देश शोक की लहर में दौड़ गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया है। कल कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा के बाद कोलकाता में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर वॉश मशीन। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें मात्र 3 बैटरी लगती है। 3 बैटरी के बाद में इसके अंदर में ये डिटैचेबल आपका ये कंटेनर है। इस कंटेनर को हम लोग इस पे लगाए और आप इसको रख दिए, इस तरह से हाथ लगाएंगे। ये ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट लेस आपका ये मशीन है और ये आप डिस्पेंसरी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए,